ये हम हैं, ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे न्यूज़ की धुलाई हो रही है। There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Did I not say it's all about that last bit? हर दो महीने में हमारे डियर न्यूज एंकर्स एक नया विलन ले आते हैं ताकि आपका ध्यान भटका रहे और डियर लीडर पे कोई आंच ना आए. The latest super villain in this never-ending news franchise, let's just call it DC Comics, is Disha Ravi. Disha Ravi कोई मासूम बच्ची नहीं है. You know these people who like to protect the lives of grasshoppers, constantly worry about the environment. All they want is more ladybirds in our garden, and the roses to bloom, and the pollution to go. And incidentally, on the side, they also say that Khalistan is the only option. ग्रेटा गैंग में दिशा कहाँ कहाँ? आखिर दिशा रवि के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। दंगा जीवी गैंग ने कितने किरदार? ये भी कोई पूछने की बात है जी न्यूज? जितने किरदारों की आपको जरूरत है उतने किरदार रेडी हो जाएंगे. दिल्ली पुलिस की दिशा केस की FIR की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं दिशा के गुनाहों की लिस्ट एज सीन ऑन टीवी न्यूज. रिमेम्बर इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ प्राइम टाइम न्यूज, No one is a suspect. You're guilty until they find a new person to declare guilty. Disha ka guna number one. She's chai virodhi. Chai virod, yani Modi ji virod, yog virod, yani Yogi ji virod. Ye Bharat virod nahi hai, to kya virod hai? Chai virod is equal to Modi virod. That settles the coffee versus tea debate. Those on the side of coffee, sedition. This behen from News Nation is onto something though. दिशा का सबसे बड़ा गुनाह नंबर टू, शी इज एंटी मोदी. इस वीडियो में दिशा ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि उसके माता पिता तो मोदी को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो खुद मोदी के खिलाफ है. वाओ रजत जी, पेरेंट्स सपोर्टिंग बीजेपी एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट बीजेपी. अगर रजत जी टीवी न्यूसेंस के यूट्यूब कॉमेंट्स पढ़ते तो ही नो दिस इज रियली कहानी घर घर की, नॉट न्यूज. इन सारी साजिश का मकसद एक है, दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती ताकत को कम करना. ओके रजत जी, प्रधानमंत्री का बढ़ता कद इज नॉट इक्वल टू भारत की बढ़ती ताकत. फर्स्ट आई डोंट नो व्हाट यू बीन रीडिंग बिकॉज फॉर द लास्ट 6 months थिंग्स हैव नॉट एग्जैक्टली बीन ग्रेट फॉर भारत की ताकत ऑन द वर्ल्ड स्टेज. इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड टू द 86th पोजिशन इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. India has slipped a spot in UN's Human Development Index to 131. India also fell to the 53rd position in the Democracy Index. India fell 17 spots on 2020 Human Freedom Index to 111th rank. Rajat ji, as a journalist, one would hope at least you'd notice India dropping on the World Press Freedom Index. But for that, you'd have to know and exercise press freedom. Khair, who cares about these indices? I'm sure they're all paid by George Soros. 1, 2, 3, incoming comment. Hey, George Soros ki chamchi, kitna paisa mil raha hai re tujhe? Moving on to more of Pradhan Mantri ka badhta kad aur Rajat Sharma ji ka ghatta standard. Meet chote miyan in praise of bade miyan. Sach to hai ki Narendra Modi ki ek fitrat hai. Ambani Adani to kya, koi bhi उनके फैसलों को उनकी सोच को प्रभावित नहीं कर सकता. अगर कोई ये दावा करता है, कोई ये कहता है कि वो मोदी से कुछ करवा सकता है तो इसकी गलतफहमी होगी. ये कोई नहीं मानेगा कि मोदी चीन से डरते हैं. मोदी की देशभक्ति पर कोई शक नहीं कर सकता और उसकी वजह है मोदी की पब्लिक लाइफ, मोदी का रिकॉर्ड, मोदी का स्टैंड. पाकिस्तान हो या चाइना, मोदी ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है. मोदी की देशभक्ति पे कोई शक नहीं कर सकता लेकिन जो मोदी को सपोर्ट ना करे उसकी देशभक्ति पे जरूर शक होगा. दिशा का गुना नंबर 3, शी इज 21. दिस कैन हैव मेनी डायमेंशंस. 21 साल की उम्र का विश्लेषण सुनिए. 20 साल की उम्र में भगत सिंह आजादी की जंग में शामिल हुए. 24 साल की उम्र में शहीद हो गए कैप्टन सौरभ कालिया. उनको टॉर्चर करके उन्हें मारा गया कारगिल युद्ध के दौरान. 22 साल की उम्र में कारगिल युद्ध के दौरान वो शहीद हो गए कैप्टन सौरभ कालिया.
मेरे लिए प्रेरणादायक है, मैं सलाम करता हूँ। यार राइट अमीश, वी ऑल नो व्हाट यू वर डूइंग एट 21 साल की उम्र। नमस्कार, मैं हूँ 21 इयर्स का अमीश देवगन। मम्मी, आज भी घर पे हरी शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है? हमारे घर पे सैफरन गाजर की सब्जी क्यों नहीं बन सकती? क्या एक हिंदू इस घर में चैन से खाना भी नहीं खा सकता? अमीश, थोड़ी मर्यादा रखो। आज रात होगी इस पर सबसे बड़ी बहस। That's not all. There's more to 21 साल. And what is this whole hullabaloo about being 21? Farmers, excuse me, sin. Ajmal Kasab was 21 to BJP in 2008 when he carried out the ghastly Mumbai terror attack. Ajmal Kasab bhi masoom tha aur Burhan Wani to aapke hisab se bahut hi zyada masoom tha phir. Yahi 21 saal ke Kasab ne pure Mumbai ko hila diya tha. I mean, I don't want to equate Disha Ravi with some of the dreaded criminals, but I would name n number of such criminals, including I would say Kasab and others, who were quite young when they in fact perpetrated crime against this country. Now it doesn't matter if Disha is 21 or 41. What matters is Delhi police's case against her. Irrespective of what anchors are telling you, criticizing Modi or even India under Modi is no crime. Journalists have done that, politicians have done that, and opposition leaders have also done that. But Manisha, what about this? ये इस तरह की स्थिति है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना, आज अगर किसी की गाड़ी में डीजल खत्म हो जाए तो उस प्रदर्शन करने की किसी को अनुमति नहीं है, और इस तरह की हरकतें की जा रही है, ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है पूरी तरह से। टू मच डेमोक्रेसी। ऑर्गेनाइजिंग अ हैशटैग कैंपेन इज नो क्राइम, एज वी ऑल नो। इवन भड़काउइंग पीपल ऑनलाइन टू ट्वीट अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट इज नो क्राइम। फॉर अ क्राइम, एन एक्चुअल क्राइम शुड हैव हैपेंड, like rioters in Delhi on Jan 26 indulged in crime. In the Disha Ravi FIR, the Delhi police is basically saying that the tractor parade by farmers protesting in Delhi on Jan 26th turned violent as a result of the said instigation by elements behind this document and its toolkit. This is what even news anchors are telling us. The consequence of the toolkit was there was violence. As we saw on January 26th, good after this toolkit was put the toolkit, out, there was the a real-world consequence to it, and that was violence. So, basically, the accusation is that these guys got influenced by Disha Ravi and Rihanna and Greta and God knows who all, and turned violent. Farmers from the villages of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh got influenced by a toolkit and a Twitter campaign. आपने कभी रिहाना के बारे में सुना है? सुना है। क्या सुना आपने? अरे क्या बात पूछे, घर पूछो। हरियाणा मेरा पड़ोसी है। हरियाणा नहीं जी, रिहाना के बारे में सुना है आपने कभी? हरियाणा कौन है? रिहाना के बारे में नहीं मैंने। Needless to say, the toolkit, its writers and its editors' connection to real life violence will have to be proved in the court of law. Right now, this is an accusation. Just like Ria was accused of plotting the death of SSR, she was pretty much pronounced guilty in many news studios. The same thing is happening with Disha today. And just like Ria was gleefully attacked by pathetic, miserable uncles in TV studios, so is Disha being attacked by similar miserable uncles who'd rather spend every evening screaming into the cameras than spend quality time with their children. Maybe it's all for the best. Delhi police has also accused Disha of collaborating with the Poetic Justice Foundation. This is a Canada-based organization. The FIR says that this organization openly and deliberately shares posts on social media that tend to create disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities. Isko thodi der ke liye minimize karke side mein rakh dete hain. Now there are also accusations that this organization is linked to Maninder Mo Dhaliwal, who's also known as a Khalistan apologist. The Delhi Police FIR doesn't explicitly mention the link between Disha and Mo Dhaliwal. The links to Disha and Mo, the contents of the Zoom meeting that she was part of, is subject of investigation. But anchors have declared her guilty. Disha ka guna number 4. She knew what was coming. She herself admits that UAPA could be attracted by these kind of conversations. We can literally get UAPA against us. She knew that this act of hers could attract one of the most quote-unquote draconian provisions of the law.
Now, honestly, I'm no mind reader, so I can't tell you why exactly she said what she said and what she was thinking when she said what she said. But here's some trivia. Just last year, Disha's organization, Fridays for Future India, was part of an email campaign to Prakash Javadekar. The motive of this campaign was to urge the Environment Ministry to withdraw the draft EIA notification. Soon after this, Delhi police issued a notice under the UAPA to block Fridays for Futures India's website because their unlawful activities may disturb peace and sovereignty of India. Delhi police later withdrew this notice saying it was a mistake. Oops. Ek purani kahawat hai. Doodh ka jala chhaanch bhi phook phook ke peeta hai. So if you've had any experience with India's law enforcement agencies, you are generally geoing life phook phook ke. Except if you're him. Then you are jeering dhandhanadan. So, when Disha says she could literally be slapped with UAPA, remember her organization literally got slapped with UAPA last year. News anchors didn't tell us any of this. But are we really surprised when they call Kapil Mishra to discuss the devious toolkit? Ye resources, ye group banana, ye tweet karna, is desh ke durbhagya hai ki yahan par पत्रकारिता में बैठे हों या राजनीति में बैठे हों, कई कई लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को भी जला देना चाहते हैं। किन लोगों को आप रोल मॉडल बनाना चाह रहे हो इस देश का? कलयुग का जमाना है कपिल जी, जब न्यूज चैनल में पैनल्स आप जैसे हों तो रोल मॉडल्स का तो क्या ही कहें। जी न्यूज एक्चुअली थॉट दिस गाय कुड एड वैल्यू टू योर न्यूज टू मेक यू मोर इन्फॉर्म्ड। इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं, फिर से देखते हैं। ओपनली एंड डेलिबरेटली शेयर्स पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया that tend to create disharmony or feelings of enmity, hatred, or ill will between different religious, racial, language, or regional groups or castes or communities. Last week, News Laundry did a report on how BJP leader Kapil Mishra commands an online army of more than 20,000 volunteers. These volunteers create toolkits, run coordinated hate campaigns, and create content which can be spammed everywhere on the internet. On November 16th last year, Kapil Mishra, the man who can faint on command and was spotted delivering a motivational TED talk right before the Delhi riots. Yeah, this man posted a tweet asking people to join the Hindu ecosystem team. Shambhavi and Meghnath got into the group. Over the course of the 2 months, they saw this group do the following things. Sharing documents to trend things like this, this and this. Spread fake news and give a communal spin to real-time events. They also shared posters like these. Some may say this kind of social media engagement would constitute sharing posts that tend to create disharmony or feelings of enmity, hatred, or ill will between different religious, racial, language, or regional groups or castes or communities. But then again, hate ki kheti फसल की खेती से ज्यादा रिटर्न्स देती है और राजनीति की खाद ही कुछ ऐसी है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यहाँ के गाजर मूली हैं। डू चेक आवर रिपोर्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश। वी कुड डू दिस रिपोर्ट ओनली बिकॉज वी डोंट डिपेंड ऑन सरकारी एड्स और लार्ज कॉरपोरेशंस दैट एग्जिस्ट एट द मर्सी ऑफ सरकार। घूम फिर के आजकल सारे एड सरकारी दे रही है। वी कैन डू दिस जर्नलिज्म बिकॉज यू सपोर्ट अस। न्यूज लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना काफी नहीं है, हमारे जर्नलिज्म को भी सपोर्ट करिए। सो प्लीज गो टू newslaundry.com, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड पे टू कीप न्यूज फ्री, बिकॉज व्हेन द पब्लिक पेज द पब्लिक इज सर्व्ड। और आप गर्व से कह सकते हैं मेरे खर्च पे आजाद हैं खबरें। दैट्स ऑल द न्यूसेंस वी हैव फॉर यू दिस वीक। वील बी बैक नेक्स्ट वीक। अंटिल देन स्टे मैड, दैट्स द ओनली वे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्रीज यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक दिस एपिसोड एज मच एज यू कैन। कॉमेंट अंडर इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब टू newslaundry.com। प्लीज बिकम अ पेड सब्सक्राइबर ऑफ आवर वेबसाइट। दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस डूइंग व्हाट वी आर डूइंग।